आइए रुक करते हैं अगली खबर का बात पश्चिम बंगाल की, जहां ममता बैनर्जी का डंका कायम है। पंचायत चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की भारी जीत तय दिख रही है। जीत इतनी शानदार है कि नतीजे आने की शुरुआत के साथ ही तृणमूल में जश्न भी शुरू हो गया। पंचायत चुनाव में भारी जीत की जैसे ही खबर आई, तृणमूल कांग्रेस के खेमे में जश्न शुरू हो गया। आतिशबाजी होने लगी, संगीत बजने लगा, गुलाल फेंके जाने लगे। अभी नतीजे तो पूरे नहीं आए, लेकिन तृणमूल कांग्रेस सब पर भारी है। ममता बनर्जी का असर बंगाल की सियासत पर बरकरार है। लेकिन चौंकाने वाली खबर ये है कि ममता बनर्जी के मुकाबले में बीजेपी खड़ी हो रही है। लेफ्ट पार्टियां अतीत बनने की तरफ बढ़ रही हैं। 34 साल से ग्रामवासियों लोग एक कैदो शक्कत बम्बत में थे, आज उस जगह से ये 7 साल में जो इस बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में जिस तरीके से उन्नयन हो रहा है, उसी का जय है, ये साफ आज नजर आ रहा है। चलिए, इस बीच हमको ताजा तस्वीरें मिल रही हैं कैसे बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर लेफ्ट और बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर आपस में भिड़ते दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। नतीजों का दिन आज, जिसमें टीएमसी लगातार बढ़त बनाए हुए है, जीत का जश्न भी टीएमसी में शुरू हो गया। लेकिन दूसरी तस्वीर ये भी है जहां बीजेपी और लेफ्ट के कार्यकर्ता आपस में उलझे हुए दिखाई दिए, जिन्हें बाद में कंट्रोल करने के लिए पुलिस को भी बुलाना पड़ा। लेकिन ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं जहां पर मारपीट से लेकर दौड़ते भागते वो कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। चुनाव के दिन भी ये तस्वीर थी, हिंसा की घटनाएं अलग अलग हिस्सों से रिपोर्ट की गई, और अब नतीजों के दिन भी एक बार फिर वही तस्वीर अपने आप में ये कार्यकर्ता दोहराते हुए। चुनाव का ये पूरा प्रोसेस रहा, इसमें हिंसा को लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठे, जिसमें प्रशासन को तो घेरे में लिया ही गया, लेकिन कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और बेखौफ होकर जब हिंसा को अंजाम देते दिखे तो सवाल उस पर उठे। लेकिन नतीजों के दिन भी कोई सबक नहीं लिया गया, और आज एक बार फिर से बीजेपी और लेफ्ट के कार्यकर्ताओं में वो तस्वीर यहां पर दिखाई दी। खबर पश्चिम बंगाल से, जहां आज पंचायत चुनाव के नतीजों का दिन, लेकिन बीरभूम से ये तस्वीरें मिल रही हैं जहां पर बीजेपी और लेफ्ट के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते दिखाई दिए, मारपीट तक नौबत जा पहुंची, और उसके बाद हालात इस कदर बेकाबू हुए कि वहां पर सुरक्षा बलों तक को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। चुनावों में हिंसा लगातार सुर्खियां बटोरती रही, और नतीजों के दिन भी हिंसा की तस्वीरें बीरभूम से दिखाई दी। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।